नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के मुंबई से 11 सितंबर को किडनैप हुई एक साल की बच्ची को मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने जयपुर से ढूंढ निकाला है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला पायल लक्ष्मण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची का किडनैप चर्च गेट के ईरोस थिएटर के बाहर फुटपाथ से उस समय हुआ जब वह अपने माता पिता के साथ सो रही थी। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की इंस्पेक्टर रोहिणी पोतदार ने बताया कि मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में 11 सितंबर को मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के बाद टीम ने मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज में एक महिला बच्चे को सोते समय ले जाती हुई दिखाई दी। महिला को सीएसटी स्टेशन के फुटेज में भी देखा गया और बाद में वह बांद्रा टर्मिनस जाने वाली ट्रेन में चढ़ गई थी। वहीं एक अन्य फुटेज से पता चला है कि वह ट्रेन से जयपुर गई थी। जयपुर में लगातार ठिकाना बदल रही थी महिला। इसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम महिला को पकड़ने के लिए जयपुर गई। पुलिस टीम वहां से 15 दिन तक महिला की खोजबीन करती रही, लेकिन महिला लगातार अपना ठिकाना बदल रही थी। तब क्राइम ब्रांच ने जयपुर में अपने मुखबिर लगाए। वहीं टीम के मुंबई लौटने के बाद एक मुखबिर ने उन्हें बताया कि महिला और बच्चा जयपुर में एक एटीएम के अंदर सो रहे हैं। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने जयपुर पुलिस से संपर्क किया और महिला और बच्चे की तस्वीरें भेजी, जिसके बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला की पहचान 23 वर्षीय प्रीति पायल लक्ष्मण सिंह के रूप में हुई है। वह शादीशुदा है लेकिन अपने पति से अलग रहती है। फिलहाल अभी किडनैपिंग के कारणों का पता नहीं चल सका है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।